वंस मोर कुछ भी मुझे डाल रही हूँ क्या पता। हेलो मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग सुबह सुबह 5 बजे रेडी होके जा रहे हैं कोरिया से जयपुर। जयपुर क्यों जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं शादी पे, और ये मेरी बहन जो लगेज बन के जा रही है साथ में। सो लेट्स गो गाइस। वेट, आप लोग राजस्थान वाला जयपुर तो नहीं समझ रहे? नहीं गाइस, राजस्थान वाला जयपुर नहीं, ये एक नया जयपुर है। ये कहाँ पड़ता है? चलिए आपको आगे चलिए, मैं वीडियो में जरूर बताती हूँ। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस हम लोग बाप निकल गए, रेलगाड़ी है। ये देखिए, तो हम लोग एक बाइक पे 4 लोग जा रहे हैं। उड़ी बाबा, ये तो उड़न खर्च हो रहा, बैलगाड़ी बना लिया। मामी आप ही मजा देखिए, मैं नहीं कर रहा। तो मनगढ़ से चिरमिरी से कोरिया से हम लोग निकलते हुए 4 लोग सवारी। पुलिस वाला मारेगा ना बुरी बाबा, पूरा गांव वाला फील हो रहा है। एक गाड़ी में 4 लोग, बैल गाड़ी से बच गया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर के स्टेशन, और यहां से हम लोग जाएंगे गोवा। यहां से हम लोग का फ्लाइट है। स्टेशन से हम लोग का फ्लाइट है। अरे गोवा के लिए फ्लाइट है भाई, गोवा के लिए। अच्छे से सुनिएगा मेरी बात। गाँव तो हम लोग समय से बहुत ही पहले पहुंच चुके थे, तो बहुत बोर हो रहे थे। तो देख सकते हैं आप लोग, प्रिया अपना सर्कस दिखा रही है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग फिर भी बोर हो रहे थे, तो थोड़ा एक आध वीडियो भी बना लिए। तब भी ट्रेन नहीं आया गाइस, मतलब कि आज हम लोग का ट्रेन बहुत ही लेट था। लेट प्रिया, तेरा ट्रेन छूट गया। प्रिया तेरा ट्रेन छूट गया। वंस मोर है देन हम लोग दुकान खोजते हुए बहुत दूर दूर तक आ गए, बट मजाल है कि दुकान मिल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी निकल गए थे, तो हम लोग नाश्ता नहीं किए थे, इसलिए हम लोग को बहुत ही तेज भूख लग रहा था। और यहाँ मजाल है कि हम लोग को एक भी दुकान मिल जाए। फिर आप लोग देख सकते हैं कि नागपुर का टिकट काउंटर भी पीछे साइड पे दिया हुआ है, जो कि थोड़ा अलग लगा। मैं हूँ टकली लखी की बहन। टकली लखी ये है, टकली लखी मैं इसकी बहन। इतना छोटा सा ट्रेन है ये। ट्रेन कैसा है गाइस? यही है हम लोग का ट्रेन जो कि आ चुका है। तो चलो गाइस, बोरिया बिस्तर बांध के चलते हैं। बाय। कहाँ चलते हैं? अंबिकापुर चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस।
बाय। वेल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे सीट मिल गया और सीट के साथ मुझे एलिन भी मिल गई, जो कि हम लोग सेम जगह पे जा रहे हैं, वो भी शादी में जा रही है। सो लेट्स गो गाइस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं एलिन को कौन सा दुख पहुंच गया है, वो सोच रही है गाइस हम लोग कब पहुंचे कब पहुंचे। उसका फेस भी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तो ये हम लोग का ट्रैवल स्टार्ट ही हुआ है गाइस, अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। तो ये नैना फल दिखा रही है, दिखा नैना। सो गाइज, वी हैव रीच्ड एट अंबिकापुर का स्टेशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इतनी कड़ाके की धूप में हम लोग स्टेशन तो पहुंच गए, अभी यहां से भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। तो हम लोग अब यहां से ऑटो लेके जा रहे हैं बस स्टैंड। सो लेट्स गो गाइज। चलते चलते कब कटेंगे गाइस ये रास्ते। बस हम लोग को बहुत ही लेट था, तो हम लोग बहुत थक चुके हैं। यहाँ से बहुत ही दूर है गाँव, कौन सा गाँव है, जयपुर। सबकी हाल के हाल हो चुके हैं, फेस उतर चुके हैं भूख से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग शादी घर पे पहुंच गए, आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत ही हल्दी में आ गए और हल्दी का माहौल लेना स्टार्ट कर दिए। तो चलो गाइस हल्दी का माहौल लेते हैं। Get down.
क्या आप लोग देख सकते हैं, हम लोग डांस करके बहुत थक चुके हैं, पसीने से बेहाल है और अब हम लोग जा रहे हैं दुल्हन का ब्राइड सूट करने के लिए। ये लोकेशन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ की खेती, अभी मई का सीज़न चल रहा है और मई के टाइम पे भी इतना ग्रीन ग्रीन, मतलब कि दिल को देख के सुकून मिल गया। बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है यहाँ का, ठंडा ठंडा। और यहाँ की बालिकाएं जो कि स्नान करने जा रही हैं, इनमें से मैं सिर्फ एक ही लड़की को जानती हूँ जो थर्ड नंबर पे है, जिसका नाम रोशनी है। और ये सब शादी पे आई हुई हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ फिलहाल। गाइस, इस लड़की को जानती, ये है एलिन। हमारी हीरोइन नैना केवट। तो गाइस, वहाँ हेल्प कराते कराते खुद का फोटो और वीडियो बनाने आ गए। अब इतना अच्छा यहाँ का व्यू है तो कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना गाइस। और ये खेती है। तो ये है धान, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी के सीजन में भी इतना प्यारा प्यारा धान। इधर भी देखो, मतलब कि यहाँ का नेचर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। ये गांव, इस एरिया का नाम है जयपुर, जो कि पड़ता है अंबिकापुर से 30 किलोमीटर अंदर का। वो लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं गाइस, ज़ूम कर रहे हैं। वो देखो अगर वो रेड वाला, वो जो सिंदूरी आम बोलते हैं ना, वो रहता तो मैं ज़रूर जाती। वो आम मैं नहीं खाती थी कि वो बहुत खट्टा होता है। तो हम लोग ये अब जा रहे हैं, नैना का फोटो शूट हो चुका है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं शादी घर। और ये बहुत अपने आप को हीरोइन समझ रही है, तो ठीक है, बाय गाइस। बारिश हो रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रिसेप्शन के लिए रेडी हो चुके हैं। क्या मैं क्यूट लग रही हूँ गाइस? आई थिंक क्यूट लग रही हूँ। सो, अभी बज रहा है 10:30 और अभी तक बारात नहीं आया हुआ है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं बारात का।
फिलहाल यहाँ पास दूल्हा दुल्हन नहीं आए हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जल्दी से यहाँ फ़ोटो और वीडियो क्लिक करा ली, बनवा ली मतलब वही। तो गाइस यहाँ पास हो रहा है ब्राइड सूट मतलब दुल्हन का शूटिंग हो रहा है, शायद इसलिए टाइम लग रहा है गाइस। तो यहाँ पास दूल्हा दुल्हन का मतलब कि दीदी और जीजा जी का वेलकम हो रहा है, एंट्री हो रहा है, और इतना भीड़ है, पब्लिक है कि मैं बहुत मुश्किल से वो क्लिप ले पाई। तो आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं प्यारी दीदी जीजा जी, और मैं इस इयररिंग और इस सैंडल से परेशान हो गई, दोनों मेरा साथ छोड़ दिए बीच रास्ते में, इयररिंग गिर गया और दूसरा हील टूट गया, इससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है गाइस। फिर भी मेरे चेहरे में दुखी का निशानी भी नहीं है, मतलब गाइस दुख का निशानी नहीं है। और ये पीछे बैठी मेरी दोस्त रोशनी पानी का मेरी दोस्त जो कि शादियों का आनंद ले रही है। 12 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। यहाँ पास ये जिनको उठाया गया है शोभू भैया, इनका आज बर्थडे है इसलिए कुछ ज़्यादा खुश है। ऐसा पहली बार शादी में हो रहा है कि मैं इसको कि ये नहीं पिया है आज। सुधर गया, ये गांव आके, ये गांव मतलब गोवा में ही रहना चाहिए। ओह माय गॉड, देख सकते हो कालू तो यहाँ पर हो रहा है कुछ कुछ रस्म। ये हैं जीजा जी जो कि सो रहे हैं, नींद में हैं। जीजा जी सो रहे हैं, उसको कौवा की जरूरत है। करो एक करो जीजा को कौवा की जरूरत है। वही बज रहे हैं रात के 3:30 और हम लोग नींद से पागल हो रहे हैं, नींद आके भी चली जा रही है। वो हैं जीजा जी। ओ भाई सोते हुए जीजा जी। तो यहाँ पास गाइस आप लोग देख सकते हैं ये फोटोग्राफर रोशनी का वीडियो बनाते हुए, मेरा नहीं बन रहा गाइस, रोशनी का वीडियो बन रहा है। भूत जैसे घूम रहे हैं, देख सकते हैं। पानी की कमी है समधि बैट हो रहा है गाइस। तो वहाँ पर हो रहा है समधि बैट, ये माइके और ससुराल वाले दोनों रहते हैं। ऐसे पार कर रही है पीछे बैठ के। यहाँ पास दुल्हन को सिंदूर लगाया जा रहा है और ऐसे इसलिए ढाक दिए क्योंकि यहाँ पास लेडीज मतलब लड़कियाँ
ये सब नहीं देख सकती हैं। तो गाइस मैं आप लोग के लिए तभी मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ। फिर यहाँ पास मंगल सूत्र पहनाया जा रहा है, उसके बाद शादी संपन्न होती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, शादी देखते देखते सुबह हो गया और हम लोग का नींद पूरा नहीं हुआ। हम लोग मुश्किल से आधे घंटे सोए होंगे। सो अभी हम लोग ब्रश करेंगे, उसके बाद अभी भी शादी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कि कुछ कुछ रस्म बचे हैं। तो चलो गाइस चलते हैं देखने। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं ब्रश कर ली, गुलाब जामुन की दबा ली सुबह से दबी में। ये सब लक्षण मेरी बहन के गए हैं, प्रिया के, किसी से कोई मतलब ही नहीं। खा लेती हूँ अकेले में, तू खाई? हाँ। गाइस हम सुबह सुबह ही ब्रश कर लिए पानी देखते हुए, और यहाँ पब्लिकों को देखो, ये छोटी बुआ, हाय। ये क्या कर रहे हैं? ये है धतून, बोला जाए तो देसी ब्रश। ठीक है। फोटोग्राफर। आपको शादी का आनंद लेते हुए कैसा फील हो रहा है? भूख लग रहा है? गाइस शादी तो हो ही चुका है, पर ये दुल्हन की विदा होने से पहले कुछ कुछ रस्म होते हैं, वो सब हो रहा है। तो दूल्हा दुल्हन का तो विदाई हो चुका, अब बारी है हम लोग के विदाई की गाइस। तो जल्दी जल्दी हम लोग भी सामान पैक करके घर की ओर रवाना होते हैं। बस में ट्रैवल करना वो भी इतना ज़्यादा, बहुत ही दिक्कत वाला काम है ये, तो हालत ख़राब हो गया हम लोग।
सो गाइस 4 बस चेंज करने के बाद हम लोग फाइनली कोरिया पहुंच चुके हैं बहुत ही स्ट्रगल के बाद। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।